गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है कि क्या कुछ अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। हाँ जी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा बहुत दिल टूटा, मैंने प्रोडक्ट को लेकर बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। बट अक्सर लोगों के साथ ये हो जाता है, पर मुझे यकीन नहीं था, पर इस बार मेरे साथ भी वो फ्रॉड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने मंगवाया था मीशो शॉपिंग ऐप से। मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था, ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रोडक्ट है, मीशो से मैंने मंगवाया था हाइलाइटर। मैंने ये हाइलाइटर मंगवाया था, रोजिनल कॉस्मेटिक का है ये, और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, अट्रैक्टिव लगा था। पहला तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि मैंने किस टाइप का देखा था और मुझे किस टाइप का ये मिला है, किस टाइप का मुझे ये रिसीव हुआ है। देखिए गाइस, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, पूरी तरह से टूटा हुआ है और बहुत मतलब कि अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे रहा, और इसका हर चीज़ अलग है, मुझे कुछ भी ज़रा सा भी ये पसंद नहीं आया। देखिए गाइस, ये पूरी की पूरी टूटी हुई, देखिए अभी भी गिर भी रही है, इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। इसका पिगमेंटेशन हो या कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिए गाइस, हल्का फुल्का शाइन दे रहा है बट इतना भी खास नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी हो या इसका पिगमेंटेशन हो, कुछ भी अच्छा नहीं है, और ये पूरी की पूरी टूटी हुई। चलो कुछ भी नहीं था तो चलो इंसान मतलब सब्र कर लेता, बट ये तो पूरी टूटी हुई है गाइस। और पता है, मैंने जब रिटर्न करने गई तो ये रिटर्न पॉलिसी के साथ नहीं, एक्सचेंज कर सकते। एक्सचेंज भी मैंने बहुत कोशिश किया बट क्या डिलीवरी बॉय इधर से उधर करके इंसान को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बिल्कुल भी ये रिटर्न नहीं हुआ मेरे को, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, मैं पूरा डिसअपॉइंट हो गई मीशो के ऐप से। बट मैंने आज तक बहुत सारे शॉपिंग की है, मुझे ऐसा तो नहीं हुआ, पर ये मेरे साथ स्कैम हो गया कि मुझे ये टूटा हुआ मिल गया गाइस। इसलिए ना मतलब मेरी सिस्टर ने एक्सचेंज का ऑफ़र दे दिया था तो मैं रिटर्न नहीं कर पाई, वरना मैं इसे रिटर्न कर देती गाइस। आप लोग भी अगर कुछ लो तो उसको रिटर्न पहले कर दो, अगर टूटा हुआ एक्सचेंज में मत जाना गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको घुमा फिरा के फिर यही प्रोडक्ट दे देंगे और आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गाइस, अब मुझे ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ रिसीव, और पैकेजिंग भी कोई ख़ास नहीं है, और ना ही मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और गाइस, फिर मैंने सोचा चलो 150-200 रुपये में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने न्यू मार्केट, कोलकाता न्यू मार्केट से जब मैंने लिया था 150-200 रुपये लोकल मार्केट से ना गाइस, मैं आपको कभी उसका रिव्यू दिखा, अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी लेती हूँ, मैं वहाँ का रिव्यू दूँगी। तो वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुआ, बट ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा गाइस। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर प्यारा सा दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस रिव्यू लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय एंड गुड बाय।